हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, कंफर्म हुई टेलीविजन की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर बहू, तो आखिर क्यों बिग बॉस सीजन 13 की स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट देवोलीना ने उगला जहर? क्या हुआ है, क्यों बोला है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर एंटर होने जा रही है टेलीविजन की जानी मानी बहुरानी, और वो बहुरानी कोई और नहीं बल्कि वो है बहुत बड़ा नाम, वो है गोपी बहू नंबर 1 यानी कि जिया मनिक। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो टीवी एक्ट्रेस जिया मनिक आ रही हैं बिग बॉस सीजन 16 में। वैसे ये बिग बॉस सीजन 14 में भी आने वाली थी लेकिन एंड मोमेंट पर इन्होंने मना कर दिया था। पर अब जैसे ही जिया मनिक की एंट्री कंफर्म हुई है तो देवोलीना ने जहर उगल दिया है। हम आपको बता दें कि देवोलीना और जिया दोनों ही रह चुकी हैं गोपी बहू, उस समय जब देवोलीना ने गोपी बहू का शो यानी कि साथ निभाना साथिया ज्वाइन किया था, तब जिया को हटाया गया था क्योंकि जिया अक्सर ड्रिंक कर सेट पर आती थी, हंगामा करती थी, कभी भी टाइम पर शूट पे नहीं पहुंचती थी। ऐसे में रातों रात जिया को हटाया गया और देवोलीना को रखा गया। अब जैसे ही जिया की खबर आई तो देवोलीना से पेपराजीज ने पूछा जिया को लेकर कि क्या लगता है देवोलीना को, क्या गोपी बहू नंबर 1 आगे तक जा पाएंगी शो में। तो ऐसे में देवोलीना ने कहा कि अगर किसी को अपने काम की रिस्पेक्ट करनी आती हो तो वो जरूर आगे तक जाएगा। और जहां तक कि जिया का सवाल है, वहां तक आप सभी को पता है वो कैसी हैं और कैसा काम करती हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगी वो आगे तक जाएं और उनके अतीत का कोई भी काला सच उनके शो पर ना मंडराए उनके सर पर। वेल दोस्तों, अब आप क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।